भारत में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा इलेक्शंस को लेकर इन दिनों तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के नामों का भी अनाउंसमेंट कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बीच पिछले ही दिनों सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपने 195 कैंडिडेट्स के नामों पर मोहर लगा दी है। बीजेपी ने कई नए कैंडिडेट्स को मौका दिया है तो वहीं पुराने लोगों का पत्ता भी कट कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि हर किसी को बीजेपी की दूसरी कैंडिडेट अनाउंसमेंट लिस्ट का इंतजार है। इसी बीच टीम इंडिया के एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी को बीजेपी के द्वारा टिकट देने की बात भी हो रही है। आपको बता दें कि भारत के एक बड़े न्यूज चैनल आज तक के रिपोर्टर के हवाले से मिली एक खबर की माने तो बीजेपी टीम इंडिया के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को टिकट देने पर विचार कर रही है। और सोर्स की माने तो बीजेपी के आला कमान और स्ट्रेटेजिक टीम ने मोहम्मद शमी से टिकट को लेकर के संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि मोहम्मद शमी को वेस्ट बंगाल से बीजेपी टिकट देकर लोकसभा कैंडिडेट के रूप में उतार सकती है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी की तरफ से इस खबर को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं मिली है और ना ही शमी के किसी सोर्स ने बताया है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से मोहम्मद शमी की सरकार के प्रति दिखे रिएक्शन से कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि वो बीजेपी पार्टी को लेकर के काफी सॉफ्ट रहे हैं। और दोस्तों अगर मोहम्मद शमी को बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस के लिए टिकट देती है तो इससे ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। दोस्तों शमी को बीजेपी के टिकट देने की खबरों पर आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।